तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान, जबरदस्त मजे मजे के पाकिस्तान के व्लॉग्स भी मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए कि जेबी और कुकिंग विद अम्मी ने नया व्लॉग लगा दिया है। व्लॉग ना, मेरी बात सुन ना, सुनाए आप अपनी बात। तुझे मुझे क्या बंदा ना, बंदा क्या सट्टे, क्यों सट्टे के जब देखते हैं खलौरे डाले हैं इसने किचन में, उस वक्त फोन उठा के आ जाएगा। सुबह से मैं लगी हुई थी काम करने, मतलब खलौरे डाले थे किचन में। हाँ। तो आप ये देखो हाल किचन का, मेरा हाल भी ना देखो, इतना गंदा हुआ। क्या मैं अभी वो डिश वॉशर नहीं खोले कि बर्तन निकालूं, चीजें करूं, और जब ऐसा गंदा होता है, कहीं साल में एक दिन होता है जब जरा मैं गंदी सफाई सारी निकालती हूँ ना काम शाम में, तो वो तू उस वक्त ही कैमरा उठा के आ जाता है। अब तू दिखा के क्या निकालना चाहता है? आपका लोग मिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अम्मी। क्यों मिस कर रहे हैं? आपने बोला नहीं, आपने दो तीन दिन ब्लॉग में नहीं किया। तू मुझे बोलने ही नहीं देता। मैं क्या बोलने देता? आपने बोलने देती, आप अपने पूरी दुनिया को नहीं आप बोलने देती। आप चल फिर, मैं नहीं बोलती। इतना गंदा उलिया है। मैं किचन साफ कर रही थी, मेजर सफाई कर रही थी किचन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बच्चों का? कुकिंग विद अम्मी के यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम किया जाता है, खुश आमदीद किया कहा जाता है, और मुझे नहीं याद था कि मैंने दो दिन से नहीं कहा, तो उसके लिए माजरत। तो चले जी मेरे बच्चों, मेरे बहन भाई, क्या हाल चाल है? कैसी सर्दी जा रही है? और सर्दियाँ पाकिस्तान वाले तो मज़े में, इंडिया और पाकिस्तान वाले हैं, बादल छाए हुए हैं और सही खा रहे हैं दालें पिनियाँ और मूँगफलियाँ, और आग जलाई जा रही है। मैं बड़ी वीडियो देखती हूँ सबकी, तो लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मतलब कोई भी मौसम हो, सर्दी है गर्मी है, ये तो आना ही आना है। इंजॉय करो, बजाय रोने डाल दो, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय हम तो मर रहे हैं सर्दी से। नहीं भाई, इसको इंजॉय करो, थोड़े दिनों के लिए आती है, जब ये जाती है तो फिर आती भी नहीं है जल्दी जल्दी, फिर जा जनवरी में आती है दिसंबर के एंड पे। इसलिए गर्मी आए तो उसको भी इंजॉय करो, सर्दी को भी इंजॉय करो, और ज़िंदगी को इंजॉय करो। सबसे मेन बात ये मैं कहूँगी जो मेरी उम्र के बहन भाई हैं, के बच्चे तो चलो जी बच्चे हैं, आप भी ये मत सोचा करें अब हम बीमार हो गए, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ना करे किसी का साथ नहीं रहा, क्योंकि जाना तो सब ने है, जो भी जानदार है, जो आया उसने जाना भी है, चला गया, अफसोस दुख बहुत है। उस चीज़ का कोई नेमुल बदल ही नहीं, उसका कोई मतलब कहें कि उसका तो कोई आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ अपने आप को ना थोड़ा खुश रखा करें। अब जो ज़िंदगी दी रह गई है आपके पास, अल्लाह ने दी है, उसको इंजॉय करें और खुश खुश रहा करें। सारे मौसम देखे हैं ज़िंदगी के, बड़े उतराव चढ़ाव देखे हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन मैंने ये एंड निकाला है कि आप अपने आप के साथ खुश हैं तो सारी दुनिया खुश है। आप नहीं बीमार हैं, कुछ हैं ठीक है, दो दिन कोई करता है आपका, तीसरे दिन तंग पड़ जाते हैं हर बंदा। भाई ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि कोई जो है जॉब वाला है, बच्चियां हैं वो भी जॉब वाली हैं, ससुराल में है, कुछ है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो और खाओ पियो, मौजें करो, वॉक करो, जे भी जैसे मुझे भगाता है वॉक में, आप भी अपने बेटों के साथ वॉक पे जाया करें और खुश रहा करें। इतना बड़ा लेक्चर व्लॉग के स्टार्ट में, मैंने मशवरा दिया इतना बड़ा, अब मेरे को बताएं लोग इतना बड़ा लेक्चर सुनेंगे? हाँ, खुश होकर लिख ले, तू लिख ले इस पॉइंट को, ना किसी ने सुना, कम से कम जो मेरी एज के हैं वो तो सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, और सब लिखना। कमेंट में बताओ आपने ये पूरी बात सुनी है, और मेरे हुलिये पे मत जाना कि आंटी का चादर ले दो, आंटी को ये चीजें ले दो। मैंने कहा था अभी इधर से काम खत्म करके जाके फिर करती हूँ, जरा ड्रॉ साफ कर रही हूँ ना, इसलिए कर ले, कर ले साफ। ये भाई साहब आपके साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये टेरेस से कैसे आया है? दरवाजा खुला हुआ था थोड़ा सा, काफी देर का, वो तो इधर ही खेल रहे, ये आपके साथ बैठा हुआ है। आके कभी डब्बों को इस तरफ से देखता है, कभी उस तरफ से। मैंने कहा शायद तूने खोला है। कोको क्या खाना है? कोको ने क्या खाना है? हाँ, कुछ खाने को चाहिए कोको को, इसमें कोको खाने वाला तो कोई चीज भी नहीं है। आपने इधर क्या, ये डब्बे सारे खोले में? ये ड्रा सिर्फ एक खुला है, अभी एक ड्रा साफ भी नहीं हुआ, मतलब ड्रा अंदर से हुआ है, अभी ये डब्बे सारे साफ। जिस तरह वो रोड पे नहीं बैठे होते,
ये ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। इन टमाटर नजर आ रही हैं, ड्राई फ्रूट ले लो, मसाले ले लो, ये चीजें हैं इनमें। भाई साहब आज आप व्लॉग शौक भूल जाएं, आज आपको कोई व्लॉग नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अम्मा जान लगी हुई है इधर अपने कामों में। कोई व्लॉग करना है, वॉक पे जाना है, कोई को दुनिया की बस खबर है। हाँ, कोई दुनिया की खबर नहीं है, ये कौन करे, मैं ना करूं तो। हम इंतजार करते हैं अम्मी ये कामों से फारिग हों, असर पढ़ लें, फिर हमने वॉक पे जाना है, फिर कुछ व्लॉग भी करना है। फाइनली सारे बॉक्सेस वापस दराज में चले गए हैं। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद देखना, फिर वो ही जिन फिर जाएंगे। ये तो आप ही खराब करती हैं, इनको तो और कुछ छेड़ता ही नहीं। मैं नहीं खराब करती, मैं तो जो चीज लेती हूँ मुझे पता है इस डब्बे में और शीशे के हैं सब में, लेकिन ये इधर जो पास्ता चीजें, इनके ऊपर ना एक एक के ऊपर नाम लिखते हैं, नाम मैंने ही यूज करने हैं, मुझे वैसे ही पता होता है। ओके गाइस, हमने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि एक पार्ट एक बॉक्स आया था, मैं कह रहा था कि मुझे कम लग रहा है, तो आज उसका दूसरा जो बेड का हिस्सा है वो ये है, ये भी डिलीवर हो गया। वो उसका बैक वाला हिस्सा था और नहीं, ये बैक वाला ये है, वो ये वाला होगा, ये जो है। अब ये तो जब सारा खुलेगा जोड़ने। हाँ नहीं, हम जाने जब कल उस वक्त तो काम कर रहा था ना, बताया तो उसने कहा एक और डब्बा आएगा, वो जो है ये वाला छोटी मतलब साइड है, बड़ी साइड और वो एक डब्बा आना है कि अभी उनका मैसेज आ रहा है कि वो डिलीवर पूरा नहीं हुआ। एनीवे तो अभी ये दूसरा बॉक्स भी आ गया, तो रेनोवेशन स्टार्ट होने वाली है कुछ अर्से में। साहब ने मुझे कोई कमेंट्स करके नहीं बताया कि हम पर्दे किस कलर के लगाएं, ये मैं सबसे मशवरा पूछ रही हूँ, ये कलर बैठ गया है आपको अब समझ आ रही है। अब मैं अगर यही पर्दे इसी कलर के लगाती हूँ तो वो बहुत ही नहीं भरा भरा हो जाएगा, ब्लैक लगाऊं या इस कलर के लगाऊं, वाइट नहीं लगाने भाई। मैंने तो कहा ग्रे पर्दे साइडों पे और बीच में ब्लैक जाली का पर्दा, प्लच्ची का है, जाली का नहीं। तो दीवार को भी पेंट कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा ना तो डार्क कमरे की बना देते हैं, या इसको पेंट कर सकते हैं, ये सामने है, या फिर इसको पेंट कर सकते हैं। फिर बेड इस तरफ तो नहीं, बेड इस तरफ ही अच्छा लगेगा वैसे तो, पूरी दीवार तो यही है बेड की। तो नीचे आप लोग कमेंट में सजेशन दिए रखें, तैयार हो जाओ वॉक पे जाओ। तेरी बीवी मशवरा कोई नहीं, वॉक पे आज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, छुट्टी, कुछ चीज की छुट्टी, एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए। ब्लॉग भी नहीं आज बनाता है, ब्लॉग नहीं बनाता, मुंह तेरा बड़ा सोना है, ये सब सोने से सोना, सबसे अच्छा हथियार है। मैं कहता हूं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, फिर मम्मी चली जाएगी। फर्क तो पड़ता है कोई नहीं वॉक जाने से, कोई टांगे ही कह रहा है क्या फर्क पड़ा, मैंने कहा टांगे ही दुखती हैं और तो कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगा, टेंशन ना लें, चलें आहिस्ता आहिस्ता, कब 50 साल में तो बड़ा नहीं, अब क्या पढ़ना, कपड़े चेंज कर लें, वॉक पे जाना है, जो जाना है वो वॉक है, जो जाना है वो, नहीं तो ना वहां मत की काम दिखाऊं मैं अम्मा की हरकतें, अम्मा की जो है ना काम वाली बनी हुई है माई। चलो चलो चल, नाक पतला अपने पतले है नहीं तो माने खींच ले रहा, वॉक पे वॉक कोई वॉक शॉप नहीं, वॉक पे जाने, वॉक पे जाने, वॉक पे जाने, चल इधर से मैंने आपको बैठ निकाल देना दरवाजे से, चलो वॉक पे। मैं तो चली जाऊंगी भाई, तू ही फिर 2 दिन अम्मा नहीं उठना, चलो इतनी ठंड है, अम्मा ने कोई नहीं उठना, वो बाहर जैसे गलियों में नहीं साफ करते वो मतलब इधर साफ करते हैं ना बेलचा और वो ब्रश उनके हाथ में होता है, जिधर से आता है ना पत्ता उठाया, ऐसे का भी वही हिसाब है, मेरा भी वही हिसाब है। ये क्या करने लगे, कोको ना 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 ये करने लगे, कोको ना ये ना ये करने लगे, इतनी ठंड में देखो पागल हुआ मैं उस वक्त, इधर थोड़ा सा रख दिया, उसने देखा ना बाल्टी लेके आई है हाय तो बड़ा घबराया हुआ था, पहले तो दिल को कर रहा था ना कि भाई जरा सा देखते हैं फिर, ओए ओए आज तो कोको खुश हो रहे हैं, आज तो कोको बड़ा खुश हो के ना यहाँ कर रहे हैं, कोको आज तो बड़े मजे ले रहे हैं, गर्म पानी लाई हूँ नीम गर्म इसलिए, हाँ डुबकी लगाओ डुबकी, जे भी कभी साथ लगाओ डुबकी, तुसी भी नहा लो कोको को ही सेख लो कुछ जाके नहा लो, हाँ किसी ने लिखा था नीम गर्म पानी रखा करें, तो पहले भी ठंडा तो नहीं रखते लेकिन आम नॉर्मल नलके का था, अब जरा मैं नीम गर्म लाई। अच्छा भाई साहब, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि उनको कोको दे दो, ये कर दो वो कर दो, तो जिनसे हमने लिया था, जो हमें दे के मतलब लिया नहीं था, जो हमें गिफ्ट करके गई थी, मैंने कहा पहला हक तो उनका बनता है, अगर उनको वापस चाहिए तो, मैंने उनको पहले मैसेज किया तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं आप हमें दे दें। अच्छा जी, कोको की होगी नाई नाई, और अब काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे कि हम लोग कोको को क्यों वापस देना चाह रहे हैं,
मतलब कोको को हम रख सकते हैं, और उसके पीछे वजह है। क्या वजह? वजह यह है कि अम्मी को वॉक पे जाना होता है। तो कोको मेरे साथ ही वॉक पे चला जाएगा? नहीं, उसके पीछे वजह यह है कि गाइस मेरा और अम्मी का, हम दोनों का प्लान बन रहा है कहाँ पे जाने का, मुझे तो नहीं पता। अम्मी ने कहा था पोपर है ना। तो मेरा और अम्मी का प्लान बन रहा है इंशाल्लाह कुछ महीनों तक पाकिस्तान जाने का। क्यों जी? लेकिन हम पहले उसका इंतजाम सोच रहे हैं। वो तो जाहिर बात है आपको पहले सोचना पड़ता है। अभी हमने टिकट्स नहीं कराए क्योंकि अम्मी का भी कार्ड भी आने में एक महीना लगेगा। तो अम्मी का जब कार्ड आ जाएगा उसके बाद हमारा प्लान है पाकिस्तान जाने का। तो जाहिर बात है आपको फ्यूचर पहले से थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है। इस वजह से हम कोको को वापस, काफ़ी लोगों ने रब्ता किया था जिनको कोको चाहिए, बट हमने ये एंड पे फैसला किया, मैंने उनसे रब्ता किया जो हमें देखे गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि पहला हक उन्हीं का बनता है। तो उनसे पूछना चाहिए ना कि भैया क्या कहते हैं। तो पहला हक उन्हीं का बनता है, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी जी ज़रूर, कोई इशू नहीं, आप आके हमें कोको दे जाए, तो उनको जाके वापस कोको दे देंगे। इस वजह से हम कोको को वापस दे रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के बड़े मजे मजे के आगे फ्यूचर। अच्छा, कौन कौन जा रहे हैं पाकिस्तान, ये लोग आप गैस करें, आप लोग बताएं कौन कौन जाएगा हमारे घर से। हाँ। और तकरीबन में लिखे, तकरीबन मैं तो 5 साल बाद जा रहा हूँ पाकिस्तान, या 4 साल बाद। मैं भी इतने सालों बाद ही, मैं पहले होके आई थी 1 महीने बाद तुम आए थे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आगे 1-2 महीनों में आपको ज़बरदस्त मज़े मज़े के पाकिस्तान के व्लॉग्स भी मिलने वाले हैं। और हो सकता है पाकिस्तान जाने से पहले हो सकता है हम किसी और कंट्री भी चले जाएं, हो सकता है यहाँ पाकिस्तान से आके किसी और कंट्री चले जाएं। हाँ, ये तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो पाकिस्तान में जो जो पाकिस्तान में रहते हैं उन सबसे मिलेंगे भी, मज़ा भी करेंगे, बहुत मज़ा आने का। और बस सब दुआ करो खैर आप लोगों के साथ करेंगे, पाकिस्तान वालों के साथ ईद करेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ करो सब खैर खैरियत से रहे, अल्लाह करे सारा प्लान जैसे है वैसा ही रहे। तो इंशाल्लाह, तो ये भी एक न्यूज़ आप लोगों को बतानी थी। अब वॉक कर रहे हैं, वॉक कर लें फिर आपको वॉक करने के बाद मिलते हैं। कैसी जा रही है वॉक? मत मारी है मेरी तो तूने, एक घर के कामों ने और फिर ऊपर से वॉक की भी से आपा लेने लगा। तो भाई आज माई को जोश चढ़ गए, माई कह रही है कि हम चलेंगे नीचे मिर्कादोना तक, और मिर्कादोना से जो चीज़ें लेनी है वो लेके वापस आएंगे। ऐसे आप घर जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे फिर आएंगे, इधर से चलते ही उधर है मिर्कादोना तक, उधर से फिर ब्रेड लेके आ जाएंगे। यहाँ से मिर्कादोना तकरीबन आना जाना आप लोगों को पता चलेगा। अभी ये सारी उतराई उतारनी तो बहुत आसान है। अरे मैं एक दफ़ा गई थी चौधरी साहब के साथ, कोई जगह ऐसी नहीं जिधर मैं गई नहीं। चलो ठीक है भाई, हमें तो कोई मसला नहीं, माई अगर जाना चाहती हैं तो चलते हैं ना। चौधरी साहब हर जगह लेके दिखा देते हैं एक दफ़ा, ये नहीं है कैसे ही बंदा कहे, हर जगह लेके जाते हैं। तो अभी तो सारे एरिया का, जिस एरिया में मैं जाती हूँ मुझे पता होता है। भाई साहब आज माई रुकी नहीं रही, माशाल्लाह जोश में पूरे, मेरे से भी आगे जा रही है भाई। आज तेज तेज भाग रहे, आज तो बड़ा जोश आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जेबी पे गुस्से हैं, रोज रोला डालता, जल्दी काम मेरे खत्म नहीं होते घर के। और ये कहते हैं वॉक पे चलो, वॉक पे चलो, मैंने कहा चल फिर बाहर। आज फिर मैंने कोई बातें नहीं करनी भागने, आज तो माई सही जोश में है। बड़ा बदतमीज है, बड़ी बड़ी खुशी। चल आज ट्रक आ रहे हैं। कौन से ट्रक आ रहे हैं? अभी थोड़ा सा आगे आए ना, ये देखें एक मिनट, ये देखें। अल्लाह डरपोक मेरी अम्मा, हाय अल्लाह। नहीं उससे दिल पांपते है इतनी, देखो स्पीड से गुजरते हैं ट्रक, और वो ऐसे 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 हिल रहा है। और किसी चीज से डर नहीं लगता है? हाँ नहीं भाई, जान बड़ी प्यारी है। और किसी चीज से डर नहीं लगता, बस मैडम को डर लगता है ऊंचाई से और पानी से। स्पीड से आते हैं ट्रक, पुलों से और ऊंचाई से। भाई पुल नीचे गिर जाए ट्रक तो फे फू भाग के चला जाए, भाग के चली गया। अल्लाह। हमें हो गए हैं तकरीबन 17 मिनट वॉक करते हुए घर से निकले हुए। हाँ घर से लेके इधर तक ना। हाँ लेकिन हमने रास्ते में प्रोग्राम बनाया ना, तो अब आज हो जाएगी 40 मिनट की वॉक। 20 तो अब ये तो पहुंच गए हैं ना, 5 मिनट 10 तो उधर जाया भी होंगे। हाँ।
हम पहुंच गए हैं पैदल मिर्का धोना पर। आज तो बड़ी जोश दिखा रही है माई। तो कल शामी टांगे तू ही दबाएंगे। मैं मतलब तुम्हें पता है मैं जो करती हूँ, ये मुझ तुम्हें ही नहीं सबको पता है, तुम्हारे छोड़ के मेरे बहन भाइयों को, तुम्हारे भी और सबको, कि ये जो काम करने है ना इसने फिर नहीं रहती। ये है जी मिर्का धोना, मिर्का धोना। कितने मिनट में हम पहुंचे घर से लेके? 19 मिनट में। हाँ, पहले तो हम आराम से चल रहे थे। हाँ, तकरीबन 17-18 मिनट में। तो हम लेते हैं जो चीज़ें वो हमने लेनी है, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। चलो भाई, हमने ले लिया जो लेना था मिर्का धोना से। अब हम जा रहे हैं वापस। अब पता चलेगा माई को चढ़ाइया। इसी तरह हम आते थे गाइस, जब मैं कह रहा था ना हम रेडी लेके शॉपिंग करने जाते थे, जिस तरह हम अपने टाउन में ही जाते थे, तो इस तरह हम आते थे। वो भी टाइम था। चलो आज आते हैं पकड़ के लेके। आज ये भी टाइम है। आते हुए तो बड़े मज़े से उतराइयाँ उतर उतर के आ गए थे, अब चढ़नी पड़ियाँ चढ़ाइयाँ। तो हम लोगों के छूट चुके हैं पसीने। पर अच्छी वॉक होगी अभी तक। पसीना पसीना अभी तक हो गए 33 मिनट्स हमें वॉक करते हुए, घर पहुंचने तक 40 हो जाएंगे ऑलमोस्ट। तो आज तो बड़े मज़े की वॉक और साथ सामान भी है, डबल वॉक, डबल वॉक। पर गुड हो गया, अच्छा हो गया। ज़रूरी है एक दो ही चीज़ नहीं, मैंने कहा लेके भी तो जानी है। और ये नहीं है कि मैंने बोला, इनका प्लान था, मेरा प्लान नहीं था, ये मेरा ही था। मैंने कहा रोज फिर कहते हैं जाएंगे जाएंगे, एक दो चीज़ें बस। गाड़ी गाड़ी मंगवा लूँ? ये तुम्हें पता है कि आज तो पढ़ गई हैं हिस्ट्रियाँ। 3 किलोमीटर 45 मिनट 263 एक्टिव कैलोरीज, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हो गए ऐसी, मैं तब थकती हूँ जब अबू के साथ जाती हूँ। आज वाक ने बस करवा दिया, अबू के साथ मैं जाती हूँ इससे भी ज़्यादा थक जाती हूँ, तब भी मैं जाती नहीं उनके साथ। मैंने नहीं गई, ये खुद आ चुके हैं, शाम हो गई है। क्या हुआ? मैंने इधर रखी, तू ही रख के गया? मैं रख के क्यों? हाँ अस्तगफिरुल्लाह, इतनी मेहनत से मैं उठा के लेके आया था। अब ऐसे रख लेते हैं नीचे से ना खोले बंदा। मैंने सोचा था इस डब्बे में निकाल, डब्बे में निकालने से नहीं सही। इतनी मेहनत से मैं उठा के लेके आया था, दही गिरा दी इधर रखी, इधर से सीधी नीचे पड़ी। ग्राम 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 तो वो ग्राम पीछे दही बिना चढ़ गई, पीछे तो नहीं गिरी, गिरी भी हाँ। मुझे पता ही नहीं था क्या किया आपने। किया तेरी माँ का सारा और भगा भगा, नहीं रखने थी तो मुझे बता देती ना। मैंने कहा इस तरह पूरे रास्ते में उठा उठा के इतनी मेहनत से। चलो ऐसे ही खा लेना। अभी इस डब्बे में निकाल के रख लेती हूँ, कोई यार नहीं। जैसी वो मिर्का धोना तक गए वॉक करते हुए, अच्छी बात। 50 मिनट्स गुड गुड गुड। आपने कितने मिनट की है? ये भी तरह 5 मिनट की, 5 मिनट की। हाँ जी, आप क्या गिरा दिया है? मैंने कहा इसमें जो गिरी मैं तुझे खिला, गंदे है, इसमें छापरों में लोगों के हाथ लगे होते हैं, तौबा है ना, कभी भी नहीं, जाया नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ये छापर हो गया है, कहाँ कहाँ से हो गया, तेरे हाथों से ही आया। नहीं तो उधर पता नहीं फैक्ट्री ना, खाना तुझे खिलाने इसको फेंके तुझे, नहीं अल्लाह माफ करे। मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो इस वक्त बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट आई गेस 2 बज रहे हैं। सो मैं ये ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो मैं एंडिंग करनी रह गई, तो मैंने कहा ब्लॉग एंड कर लूँ। तो गाइज़ बहुत सारी मेहनत लगती है ब्लॉग्स करने में, रोज़ आपका लिए नया कंटेंट, नई आपके लिए वीडियोस आइडियाज़ और सोचने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं टिकटॉक पे भी हम डेली अपलोड करते हैं, तो उधर के लिए भी एक डिफरेंट कंटेंट सोचना पड़ता है। सो इट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपका रोज़ उठ के, एक नई आपकी पूरा दिन यही सोचने में लग जाता है कि आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है, और फिर पूरी रात ऑलमोस्ट बैठ के उसको एडिट करना होता है, वीडियोस अपलोड करनी होती हैं, थंबनेल्स बनाने होते हैं, टाइटल्स बनाने होते हैं, तो मैं सारा कुछ खुद कर रहा हूँ। तो आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, लाइक्स और कमेंट्स रियली मोटिवेट रखती हैं मुझे। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स डेली देखना, ऑलमोस्ट अब हमें
दो महीने हो गए हैं कि हम YouTube पे डेली व्लॉग्स कर रहे हैं और TikTok पे पिछले 2 साल से रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर इनको अपने दोस्तों में शेयर करें, इनको अपनी फैमिली में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट करें वीडियो के ऊपर। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें भी दिल करता है और व्लॉग्स बनाने को। तो आप सबके प्यार मोहब्बत का बहुत सारा शुक्रिया रोज़ जो आप हमें दिखाते हैं। आई लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल आपको मिलेंगे हम एक और नए और अच्छे व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।